और इसी भी धार से बड़ी खबर है, जहां पर बस और बोलेरो की भिड़ंत हुई, इसमें कार सवार की मौके पर मौत हो गई और कार सवार मृतक की बहन को भी चोट आई है। कार इंदौर से जौबट की ओर जा रही थी और तभी टांडा के पास ग्राम धरवाली भाटिया पर यह हादसा हुआ है। धार से बड़ी खबर है, जहां पर बस और बोलेरो की भिड़ंत में कार सवार की मौके पर मौत हो गई और एक शख्स गंभीर रूप से चोटिल बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आधार से, जहां पर एक सड़क हादसे की खबर सामने आई, बोलेरो और बस की भिड़ंत की यह खबर, जहां पर बोलेरो का ड्राइवर मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि उसकी बहन की भी हालत नाजुक बताई जा रही है, चोटें आई हैं उसे भी। सुधार से बड़ी खबर है, जहां पर बस और बोलेरो की भिड़ंत हुई है और इसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जो बोलेरो का ड्राइवर था उसकी जान चली गई। इसके अलावा एक और महिला को चोट आई है, उसे फिलहाल प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो कार इंदौर से जौबट की ओर जा रही थी जब ही यह हादसा हुआ और बस और बोलेरो की यह भिड़ंत हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, क्या अपडेट है, महिला की हालत फिलहाल क्या है? ये महिला की हालत अभी स्थिर है, उसको इंदौर रेफर कर दिया गया है। और इसमें ये जो बोलेरो जो चला रहे थे, ये लोग इंदौर से जौबट की ओर जा रहे थे, इसी बीच इनका टांडा के पास एक्सीडेंट हुआ है। घाट में एक्सीडेंट इतनी बुरी तरह हुआ है कि बोलेरो की पूरी छत उड़ के चली गई है, छत और बिल्कुल अलग हो गई है। बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। इसमें जो बोलेरो चालक था, जो कि पटवारी है, उनकी मौत हो गई है और उनकी बहन जो उसकी साइड में बैठी हुई थी, उसको इंदौर शिफ्ट किया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बोलेरो चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनकी बहन को, शख्स की मौत हो गई, उसकी बहन को इंदौर रेफर किया गया है, उसकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है। ये खबर हदार से, जहां पर बस और बोलेरो की भिड़ंत में एक शख्स की मौत हो गई, दूसरी की हालत नाजुक बनी हुई है।